Alright, ladies and gentlemen, welcome to the Sorted TV and you're watching the Sorted Reviews. This is Bani. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हो by the name called the Sorted TV के नाम से है. And अगर आप लोग नए हो इस channel पे तो please consider subscribing the channel the Sorted TV. हम लोग आपके लिए new content on the basis of cinemas, on the basis of the web series and songs लेकर आते रहेंगे and update भी लेकर आएंगे चटपटे से. So as you all know, December start हो चुका है and December का जो month शुरू हुआ है ना वो बहुत बड़े बड़े धमाकों के साथ हुआ है, एक बहुत बड़ी बड़ी मूवीज के साथ हुआ है. तो इसी तरीके से एक नई मूवी जो मैंने आपको टीजर जिसका हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर छोड़ूंगी, उसका ड्रॉप 4 आ गया है. तो यस, एज यू हैव गेस्ट करेक्टली, डंकी का ड्रॉप 4 आ गया है. तो बिफोर दिस ड्रॉप 4, ड्रॉप 1 वाज काइंड ऑफ अ टीजर जो उन्होंने हमें एक छोटा सा टीज करने के लिए ड्रॉप छोड़ी थी. सेकेंड एंड थर्ड में उन्होंने थोड़े अपने गाने इंट्रोड्यूस कराए थे एंड नाउ दिस इज द ऑफिशियल ट्रेलर जो हम कंसिडर कर सकते हैं डंकी का, जो कि आज रेड चिलीज एंटरटेनमेंट पे विद ओवर 12.1 मिलियन सब्सक्राइबर पे रिलीज हुआ है. तो जैसे आपको पता ही है, पहले इसके ट्रेलर पे जंप करने से पहले लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टार कास्ट जो इस मूवी की है. तो स्टारिंग है शाहरुख खान, तापसी पन्नू, बोमन ईरानी एंड विकी कौशल इन अ स्पेशल अपीयरेंस एंड इट इज डायरेक्टेड बाय राजकुमार हिरानी. तो जो दो कॉम्बिनेशंस लिए गए हैं राजकुमार हिरानी का एंड शाहरुख खान का, ये होने वाला है एक अच्छा ब्लॉकबस्टर. एंड अगर आप लोग देखेंगे तो शाहरुख खान की जो ये थर्ड मूवी आई है, लाइक आफ्टर पठान, जवान, अब ये डंकी, लिटरली ये थिएटर्स पे ना आग लगा देगी. तो जब भी कोई चीज नहीं आती है ना या वीडियो अवेलेबल होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम क्विकली कमेंट सेक्शन में जाते हैं एंड लिटरली देखते हैं कि लाइव रिव्यू लोगों का क्या रह चुका है. तो आई एम गोइंग टू द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो जहाँ पे मिलियन रीजंस टू वॉच डंकी, किंग ऑफ ऑल टाइम, किंग ऑफ बॉलीवुड, किंग ऑफ एक्टिंग, किंग ऑफ रोमांस, वेरी नाइस. किसी ने एक स्पेशल मैसेज दिखा है देव पी प्रमिश्रा जी ने, नो प्रोपेगेंडा, नो रिलीजियस बायगॉट्री, नो हेट एवरीवन, नो फिल्दी डायलॉग्स, नो पीआर, जस्ट प्योर एंटरटेनमेंट टू एंटरटेन द वर्ल्ड, थैंक्स शाहरुख खान सर. तो ये कहते हैं ना, जो दिल से शाहरुख खान के फैन हैं उन्होंने ये कमेंट किया है. ऑल्सो देर इज अ कमेंट बाय बैड बॉय, नो गोरे वायलेंस, नो हीरोइज्म, नो आइटम सॉन्ग, नो ओवर द टॉप सीन्स, ओनली स्टोरी, प्योर रियलिस्टिक कॉमेडीज, रियल लाइफ स्टोरीज विद इंटेलिजेंट क्रिएटिव इमेजिनेशन. तो ये अगर हम इसके बेसिस पे जाते हैं, गॉन बी अ वेरी लाइट मूवी जो कि ना आपको मर्डर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फाइट हो गया, उससे थोड़ा दूर रखेगी अगर आप लोग उस तरह की मूवीज नहीं पसंद करते हो. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑफ योर्स एंड माइन, लेट्स डू वन थिंग. सो इट इज अ 3 मिनट ट्रेलर, 3 मिनट 1 सेकेंड टू बी मोर प्रिसाइज ऑन रेड चिली एंटरटेनमेंट. तो ऐसा करते हैं, पहले एक बार ट्रेलर जरूर देख लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. One, two, three, play. जे कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लालटो में कदम रखा. यहाँ मिले 4 उल्लू दे पट्टे जो लंदन जाना चाहते थे. बल्ली बाल काटता था. बाल छोटे करने हैं जी, बड़े कर सकता है, कर दे. बुगू पिजामिया बेचता था. मुझे इतने बड़े बड़े साइज क्यों दिखाते हैं, मैं स्मॉल साइज डालती हूँ. जी आंटी जी, आपने पजामी टांगों में चढ़ानी है, छोटी उंगली में चढ़ानी है. और सुखी अंग्रेजी झाड़ता रहता था. आई अंडरस्टैंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, कोलन, सेमी कोलन, कॉमा, फुल स्टॉप. और उनके साथ मेरी मन्नू दुनिया से लड़ जाती है मेरे लिए. नमूना नहीं है ये, नहीं आती अंग्रेजी, हो गई गलती. कुश्ती घुमाती है कोच जी को, वहाँ गलती नहीं करते. आज तक लाइफ में मेरे लिए कोई लड़ा नहीं है पहले सर जी. तो जी मेरे लिए तो हो गई है मेरी वो गर्ल वाली फ्रेंड. ओ मैं तो धम चिक पक धम लुटपुट गया, लुटपुट गया, मैं तो गया, मैं तो लुटपुट लुटपुट. मैं आपको लंदन पहुंचा सकता हूं. वी शुड नॉट फॉरगेट दिस, ये आपके बाज एक्चुअली में हाई सेट कर देगा. दैट इज फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स, पीके एंड संजू.
5 सुपर अमेजिंग मूवीज के डायरेक्टर हैं राजू हिरानी, तो वो लेकर आ रहे हैं ना, तो इट हैज टू बी समथिंग रियली ग्रेट। इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। आई वांट टू गो टू लावाटोरी। आई वांट टू गो टू आई डोंट वांट टू गो टू लावाट्री। आई तो जी डन लावाट्री। सी सो इफ यू हैव नो वोकैबुलरी हाउ डू यू प्रपोज टू स्टे अब्रॉड। तुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है एक भी शब्द पंजाबी का। 100 साल राज करके गए अंग्रेज हम, जब ये यहाँ आए थे हमने तो नहीं इनसे पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या? जब हमने इनको नहीं रोका था तो ये कौन होते हैं हमको रोकने वाले? चल बे वतना फेर मिलांगे के लंबी Not forget that action scene जो भी इसमें आया था, जिसमें शाहरुख खान जस्ट बचे हैं एक तरह से गन शॉट से। एक बार मैं प्ले करती हूँ दोबारा से। चल बे वतना फेर मिलांगे के लंबी बात करांगे। हमने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, वरना कोई अपना देश, अपना परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने? ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा। 25 साल बाद मैं हूं हरदयाल सिंह ढिल्लों हड्डी। जय हिंद। In cinemas, December 21st. वो तो जो ये ट्रेलर था ना, इट वॉज एन amalgamation ऑफ इमोशंस। लव एंगल था, फ्रेंडशिप थी, पैट्रियोटिज्म था कि हाँ आप अपनी कंट्री छोड़ के जा रहे हो, एंड थोड़ा बहुत प्रोसेस दिखाया था ऑफ द डंकी थिंग। डंकी इज बेसिकली एक इलीगल तरीका अपने कंट्री से किसी और कंट्री में एंटर करने का विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग। एंड वो दिखाया गया कि जैसे एक डिजर्टेड एरिया था जहाँ पे वो गोलियाँ और वो गन शॉट्स दिखाए गए थे। ऑल्सो जो रिवर के बीच में से जा रहे थे वो भी नॉट अ जैसे बॉर्डर क्रॉस करने वाला तरीका होता है वाया सी रूट प्लस पोर्ट्स दिखाए गए थे। तो ये एक तरीका था कि आप कैसे एक दूसरी कंट्री में एंटर करते हो और जो कह सकते हो आप दूसरी कंट्री के लूप होल्स हैं, तो ये दिखाया गया है। बट आई वुड रियली रेकमेंड दिस मूवी और हैट्स ऑफ टू राजू हिरानी जी जो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, क्योंकि आजकल के टाइम पे ना इंडिया इज रियली डेवलपिंग। इंडिया का लेवल वर्ल्ड वाइड बहुत डिफरेंट हो चुका है, एंड अगर नीड नहीं है तो वो एक एक्चुअली मैसेज दे रहे हैं कि यार अगर आप लोगों को नीड नहीं है तो क्यों अपनी कंट्री छोड़ के जाना, क्यों अपने दोस्त यार फ्रेंड्स फैमिली को छोड़ के जाना एक नए देश में और फिर वहाँ सेटल होना। तो ये एक मैसेज जो मुझे लग रहा है राजू हिरानी जी लेकर आना चाहते हैं। ऑल्सो मैं एक चीज़ यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहूँगी कि ये ना मूवी जिस टाइम पे आई है तो अगर आप देखेंगे थिएटर्स पे ना मूवी रिलेटेड टू फाइट एक्शन ड्रामा थ्रिलर एंड ये सब चल रही है, जिसका बैकग्राउंड या जिसका जो एक फॉर्मेट है अ लिटिल डार्क है, तो उन डार्क मूवीज के बीच में एक लाइट थ्रो करते हुए वही कलरफुल सी डंकी मूवी निकाली गई है जो कि 21 दिसंबर को आएगी सिनेमाज में। तो जिन लोगों को बहुत सीरियस वीरियस मूवीज नहीं पसंद है एंड दे लाइक कॉमेडी एंड स्पेशली द SRK कॉमेडी, वो जाके जरूर देखें। मैं भी जाने वाली हूँ ये वाली मूवी देखने, एंड आते ही मैं आपको बताऊंगी कि ये मूवी का रिव्यू कैसा रहा। और यहाँ पे जो 5 फ्रेंड्स दिखाए गए हैं ना, उनमें से ना सबसे बेस्ट कैरेक्टर या मैं बेस्ट अभी तक एज फ्रॉम द ट्रेलर अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे लगा है विकी कौशल का, जिसके अंदर वो बड़े एक सीधे साधे लड़के बने हुए हैं एंड बड़े मजे से बोल रहे हैं इंग्लिश में, जो कि इसमें उनका हाथ थोड़ा सा तंग है एंड वो बहुत हिलेरियस तरीके से इसकी डायलॉग डिलीवरी है। ऑल्सो अगर आप लोगों ने नोट किया हो ना, जिस तरीके से शाहरुख खान बोल रहे हैं मुझे ये थोड़ी थोड़ी याद दिलाता है रब ने बना दी जोड़ी की, जो कि उनकी मूवी थी विद अनुष्का शर्मा, उसमें भी उनका डायलॉग इसी तरीके का था। कहते हैं ना थोड़ी सी स्लैंगिश या थोड़ी सी कैजुअल पंजाबी जिस तरीके से बोल रहे हैं, इसमें भी वो शायद दिखने को आपको मिलेगी।
सो द सॉरी टीवी की तरफ से हम लोग रेकमेंड करते हैं आपको ये मूवी डंकी, विच इज रिलीजिंग ऑन 21st December. आप लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं. इट इज अ मूवी फॉर ऑल एजेस, स्पेशली इट इज परफेक्ट फॉर द फेस्टिव सीजन, दैट इज द क्रिसमस डिलाइट एंड द न्यू ईयर्स. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो. आप लोग हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपके कौन से फेवरेट कैरेक्टर्स हैं इस ट्रेलर में से. शाहरुख खान पसंद आ रहे हैं, तापसी पन्नू पसंद आ रहे हैं, बल्ली पसंद आ रहे हैं या कोई और पसंद आ रहे हैं, मैं जरूर जानना चाहूंगी. एंड द बेस्ट पार्ट इज डू लेट अस नो आप लोग अगर ये मूवी देखने जाओगे या नहीं जाओगे. ओके, सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. साइनिंग ऑफ, दिस इज बानी. यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में मिस कर दिया, दैट इज द सॉरी टीवी पे आप फॉलो कर सकते हैं एंड इसको सब्सक्राइब कर लो. इसी तरह हम आपको दूसरी दूसरी मूवीज के बारे में, वेब सीरीज के बारे में एंड सॉन्ग्स के बारे में लाते रहेंगे अपडेट्स. Adios guys, see you in the next video.